गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 30 मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, राइट? एक तो पहले तो दो मैग्नेट पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट? एक लूप है वायर, ओके, कंडक्टिंग वायर की एक लूप है। दूसरा क्या है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, ओके, यहाँ पे स्प्लिट रिंग के साथ ये जॉइंट किया हुआ होता है। स्प्लिट रिंग मतलब, अरे सब बता दे। एंड नेक्स्ट इज ये ब्रशिश है, ओके, जो ब्रशिश स्प्लिट रिंग को होल्ड करता है और उसमें से ही ये जो वायर है वो वायर उसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ बैटरी है, की है, राइट? यस। व्हेन वी स्विच ऑन द की द करंट विल पास थ्रू बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, तो यहाँ से वो स्टार्ट होगी, होगा करंट पास होने का, राइट? और ये जो स्प्लिट रिंग है वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। स्प्लिट रिंग इसके साथ कनेक्टेड है तो ये घूम, एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या करता है, सबसे पहले तो ये ढूंढ लेते हैं, राइट, कि मोटर है वो सब चीज को घुमाने का काम करता है, राइट? इट विल रोटेट एनीथिंग, ओके, जैसे कि मिक्सचर है, राइट, फैन है, फैन है तो फैन घूमता है, राइट? तो फैन के ऊपर जो ये पार्ट है फिर यहाँ से वो कनेक्ट होता है, ओके, यस और नो, है ना? हाँ, तो यहाँ पे मोटर होती है, तो मोटर क्या करता है, इसको घुमाने का काम करता है, राइट? यस, अंदर, अरे इसके अंदर होता है, हाँ, नहीं इसके साथ फिर ये जॉइंट होता है ऊपर से, फॉर्मेलिटी, हाँ, यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ से वायर जॉइंट होता है, वायर, फिर दूसरा, फिर मिक्सचर है, राइट? मिक्सचर भी क्या काम करता है, उसमें भी घुमाने का काम करता है, व्हील्स में भी क्या काम करता है, मतलब कार में भी घुमाने का काम करता है, ओके, चलो, तो मतलब जो मोटर है वो सब घुमाने का काम, मतलब उसको सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, राइट? तो बेसिकली होता क्या है कि करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, यस और नो? पहले इलेक्ट्रिक हम क्या पास करते हैं, हम स्विच ऑन करके सिर्फ करंट पास करते, राइट? तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, मोटर, राइट? मैकेनिकल मतलब, मैकेनिकल मतलब जो चीज मोशन करती है ना उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, राइट? यस, मूविंग बोलते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन होता है, राइट? तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज है वो हमने देख ली, कंस्ट्रक्शन में स्प्लिट रिंग्स है, ओके, ये स्प्लिट रिंग्स इस टाइप की होती है, ये स्प्लिट हुई है ना, इसीलिए उसको रिंग, स्प्लिट रिंग बोलते हैं, यहाँ पे देखो सब लोग, राइट? वो क्या काम करते हैं, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के हिसाब से वो काम करता है, राइट? वो अंदर आएगा, वर्ड बुक में देखने की जरूरत नहीं, पहले वर्ड पे देख लो, स्प्लिट रिंग है वो कम्यूटेटर जैसा काम करता है, मतलब कि वो करंट है ना, करंट उसको क्या करवाता है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, राइट? यस, जैसे ये घूमेगा ना, ये पूरी कॉइल घूमेगी, उसके साथ साथ ये स्प्लिट रिंग भी घूमेगा, ये ब्रश है वो नहीं घूमेगा, वो इसको होल्ड करके रखता है, राइट? ओके, बट ये स्प्लिट रिंग है वो इसके साथ ऐसे घूमेगा, ये जैसे नीचे जाएगा स्प्लिट रिंग भी ऐसे, ये वाली नीचे जाएगी, ये वाली ऊपर जाएगी, समझ में आ रहा है? ओके, बट ये कैसे घूमता है वो हम कैसे, तो हमने लास्ट टाइम कौन सा रूल पढ़ा, फ्लेमिंग्स, लेफ्ट हैंड रूल, यस, लेफ्ट हैंड रूल, ओके, तो ब्रश नहीं घूमता है यहाँ पे, जो एक्स एंड वाई है वो ब्रश है, ठीक है, वो सिर्फ उसको होल्ड करने का काम करता है, ये जो स्प्लिट रिंग है वो इसके साथ घूमता है, ओके, जैसे ये कॉइल यहाँ से घूमेगा, स्प्लिट रिंग भी उसके साथ साथ घूमेगा, राइट? ओके, तो ये स्प्लिट रिंग क्या काम करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हम बैटरी चेंज नहीं करेंगे, बैटरी में से जो करंट पास हो रहा है ना, राइट, बट वो क्या करेगा, स्प्लिट रिंग है वो ऐसे करंट की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, राइट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि करंट तो बेसिकली इसमें से ही पास हो रहा है, राइट, तो वो ऐसे घूम रहा है, उसके साथ साथ वो भी घूम रहा है, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में काम करेगा, ओके, तो सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन
कि दो मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बीच में ऐसी लूप है ए बी सी डी राइट, उसके साथ एक स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है ओके, और दूसरा क्या है ब्रशेस कनेक्टेड है एंड बैटरी एंड की ओके, व्हेन स्विच ऑन द की द करंट विल पास थ्रू द स्प्लिट रिंग एंड थ्रू ए बी एंड सी डी राइट, ये रूट के ऊपर से पास हो रही है क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, करंट कैसे पास होता है तो ऐसे डी सी बी ए नहीं होगा, अभी वो ए बी सी डी होगा मैं बता रही हूँ, एंटी क्लॉक घूमेगी यस वो बता रहे हैं ठीक है, और दूसरी फील्ड यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है राइट एंड करंट ऐसे आ रहा है ठीक है, तो इसको किस तरफ, इसको ऊपर की तरफ फ्लो होगा फोर्स लगेगा यस और नो, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ जा रही है, करंट यहाँ से जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ओके, और ऐसे हम लोग करेंगे ठीक है, तो करंट यहाँ से आ रहा है ना यहाँ से ओके, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो उसको फोर्स कहाँ लगेगा सीडी को नीचे की तरफ लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है यस मैम, हाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है करंट यहाँ से आ रहा है तो इसको ये प्लेट को फोर्स यहाँ से लगेगा, समझ में आ रहा है yes, फिर तो ये ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, समझ में आ रहा है ओके yes. okay. और ये स्प्लिट रिंग है वो क्या करता है वो चेंज कर देता है करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन जब चेंज करता है तो ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ ओके, वो लेफ्ट हैंड जो रूल है उसके हिसाब से ये मूवमेंट करता है ओके, चलो फिर इतना हो गया ओके, चलो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग क्या करते हो, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ओके, चलो उसका प्रिंसिपल लिखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट करेगा बीच में
ओके चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कैन आई ड्रॉप दिस? ये आप फुल ड्रॉप कर लेना टेक्सटबुक में से. इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट. इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैन. रेफ्रिजरेटर्स. मिक्सचर. ये पूछते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे यूज होता है? वॉशिंग मशीन. कंप्यूटर्स. MP3 प्लेयर. Do you know how an electric motor works? एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग. उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है. सी उसके अंदर ना ऐसा मैग्नेट नहीं होता है. राइट ऐसा सिंपल मैग्नेट नहीं होता है. इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है. इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है मतलब जो कमर्शियल. यस वो आएगा इसी बुक में. नेक्स्ट आएगा इसी टॉपिक में कि जो कमर्शियल मोटर्स है ना मतलब जो बेचते बिकते हैं अभी मार्केट में. राइट उसमें ऐसे जो सिंपल मैग्नेट है वो नहीं होता है. उसके अंदर इलेक्ट्रो मैग्नेट मतलब मैग्नेट के आसपास ऐसे कॉइल. राइट ताकि वो ज्यादा इफिशियंसी ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सके. इसके लिए उसके अंदर सिर्फ मैग्नेट नहीं होता है इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है. इलेक्ट्रो मैग्नेट हमने पढ़ा ना. यस सर नो एकदम पतला होता है. यस ये यूजेस है. ओके यूजेस अगर आप पूछे तो ये जनरेटर में भी यूज होता है ना. जनरेटर पूरा अलग कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगी मैं. चलो नेक्स्ट लिखो उसका वर्किंग लिखो. फिर आप डायग्राम की जगह छोड़ देना. डायग्राम आपको वही ड्रॉ करना है जो बुक में दिया है. वर्किंग लिखो. मैम साथ में बना दिया. इलेक्शन An electric motor. Consists of rectangular. चलो इसका वर्किंग कैसे लिखेंगे धर्मेश? Stand up. इसका वर्किंग कैसे लिखेंगे? मैंने जैसे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना उसको लिखना है. इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ऐसी कॉइल है ना आर्मेचर कॉइल. मैं वो कॉपर की होती है एल्युमिनियम की? कॉपर की होती है. बिकॉज़ कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ. एल्युमिनियम की भी हो सकती है
सस्ती वाटर होती है उसमें एल्यूमिनियम होता है। उसको पता है मैं रीजन सिर्फ जो बेस्ट कंडक्टर है यूनिट करता है। हाँ सब कुछ खोल के मैं इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी मूव करते हैं क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है वायर का। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बोलो भाई कॉइल लाइक रेक्टेंगुलर टू कॉइल ए बी सी डी ठीक है भाई। ये कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पूछते हैं 5 मार्क्स में। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है फिर यूजेस लिखना है राइट फिर वर्किंग लिखना है। तो वर्किंग में लिखवा रहे हो वो कैसे वर्क करता है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। डायग्राम भी ड्रॉ करना है साइड में मैंने बोला ना कि आप डायग्राम साइड पे ड्रॉ कर देना। वेरी गुड 5 मार्क्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर The coil is placed between half insulated the two coils of magnetic field जयना जी रीड करो फटाफट ये 4 सेंटेंस रीड करो शाश्वत रीड करो तो ये क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल राइट वो किससे बना है इंसुलेटेड कॉपर वायर से। क्यों क्योंकि कॉपर वायर अच्छे से करंट को पास कर सकता है ओके। और उसको किसके बीच में रखा गया है दो पोल्स के बीच में। तो बस सी हमने जैसा कंस्ट्रक्शन देखा ना उसका मतलब डायग्राम देखा वैसे ही अपने वर्ड्स में लिखना है। कोई चेंज 5 मार्क्स एकदम बेस्ट मिल जाएंगे आपको राइट। हाँ आपको कोई उसमें चेंज नहीं है राइट। फुल स्टॉप। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट। यहाँ तक लिखा है सबने द एंड ऑफ द कॉइल। द एंड किसके साथ कनेक्ट करते हैं कॉइल के एंड को नहीं एक मिनट रमेश को बोलने दो। एंड ऑफ द कॉइल किसके साथ जैसे जो कॉइल बनाई थी उसका एंड किसके साथ कनेक्ट करते हो स्प्लिट रिंग। यस एंड ऑफ द कॉइल आर उसको नाम क्या दिया था हमने कनेक्टर को नहीं मैम नहीं स्प्लिट रिंग्स का काम क्या नाम क्या दिया था पी एन क्यू कनेक्टेड टू द टू हाफ पी एन हाफ मतलब सी दो हाफ में ऐसे स्प्लिट रिंग ऐसे दो हाफ में थी ना इसीलिए अगर उसको प्लूरल बोलते हैं तो हाफ बोलते हैं ना हाफ का प्लूरल हाफ टू हाफ में कनेक्ट किया है पी एन क्यू। हाँ मेटल की बनी होती है ऐसे होती है टू हाफ पी एन क्यू ऑफ अ स्प्लिट रिंग फुल स्टॉप। चलो हो गया 3 पॉइंट। ये तो आ गया ना आपको धनराज फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप बैठ जाओ घर में। धनराज फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप प्रिंसिपल से स्टार्ट करो प्रिंसिपल लेगा तो उसमें क्या प्रिंसिपल में कुछ है नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना कुछ चीज चला रहा है मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना कोई मशीन चला रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। An electric motor is a rotating device.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर दिया। बोलो तू के बाजू में क्या लिखा है? हाल्स मैंने अभी समझा है, बट आप लोग बातें कर रहे थे। यहाँ पे देखो एक ही चीज मुझे दो दो बार समझानी पड़ रही है। यहाँ देखो ये दो स्प्लिट्स ऐसे होते हैं, ओके पी एंड क्यू राइट। तो ये हाफ में कट है ना ऐसे, इसीलिए हम उसको हाफ बोलते हैं, एच ए एल एफ। बट प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉइल है, एक ही नहीं है, बहुत सारी ऐसे है, ठीक है। हम सिर्फ एक की स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में होती है यहाँ पे बहुत सारी ऐसे लूप होते हैं, राइट? यस, 50-200 जितना होता है, राइट? तो वो लूप होती है ना, इसीलिए उसको प्लूरल में है। तो हम हाफ का प्लूरल क्या कर रहे हैं, अभी मैं इंग्लिश भी सिखा रही हूँ, हाफ का प्लूरल हाफ करते, ओके? चलो ये दो बार मैंने बताया पर आप लोग का ध्यान नहीं था। यस, फिर इनर साइड है वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, क्योंकि अगर वो इंसुलेटेड नहीं होगा तो वहां से पास हो जाएगा। यस राइट, तो जो दो है वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, राइट? तो यहाँ पे लिखो इनर साइड इज द इंसुलेटेड, द इनर साइड ऑफ दीज हाफ, मतलब स्प्लिट रिंग्स, ओके? बस स्प्लिट रिंग लिखो ना। हाँ, वहाँ मतलब ब्रैकेट में लिखो स्प्लिट रिंग्स, बस चलो जयराज उसके बाद क्या सेंटेंस लिखेंगे। फिर क्या कनेक्ट किया था हमने, स्प्लिट रिंग तक आ गया। अभी क्या कनेक्ट किया था यहाँ पे हमने, ब्रशेस के बारे में बताओ। चलो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ऐसा होता है यहाँ पे एक ऐसा ब्रशेस या ब्लैक कलर का ऐसा रबर के जैसा ही होता है, वो सिर्फ स्टैंड देता है, उसको खाली नाम है, उसको ब्रशेस क्योंकि यहाँ अंदर से बस नाम दिया है उसको, ब्रशेस नाम दिया है। और अच्छा होगा इंसुलेटेड, ओके? फिर ब्रशेस का सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, द एक्सटर्नल conducting edge of P and Q touch to conducting stationary brushing, okay? एक stationary brushing, stationary मतलब वो नहीं हिल रहा है, वो एक जगह पे steady है, okay? वो मैं किसे पकड़ के रखता है? And yes, split ring को। मैं उन्हें कैसे लिए कि चार लोग पकड़े? External brushing ना करे, क्या नहीं करे? P Q P and Q एक्स एंड वाई स्टेशनरी ब्रशेस को नाम क्या दिया था हमने, एक्स एंड वाई। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे, हाँ स्टेशनरी मतलब एक जगह पे, और मोबाइल मतलब वो एक मूवमेंट कर रहे, राइट? फिजिक्स की लैंग्वेज में मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करना, और स्टेशनरी मतलब एक जगह पे फिक्स होना। अभी रुपए ना हो, अभी मोशन में ना हो, अभी से यार कौन अभी से थोड़ा सा मैम एक्सेल क्या करता है?
एक्सेल तो उनको बताया है कि ये एक्सेल के ऊपर मतलब एक्सिस के ऊपर वहाँ जो वो क्रॉस हो रहा है ना वो एक्सिस के ऊपर ये सब लगाया है। एक्सेल कुछ नहीं है, ये स्प्लिट रिंग है और यहाँ पे ब्रशेस है, वो एक्सिस के ऊपर वो मूवमेंट कर रहा है सर। एक्सेल मतलब वो फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्सिस मैम एक्सेल का हो गया कंप्लीट। अच्छा एक्सेल के ऊपर वो सब कुछ लगा रहे हैं ना वो चक्कर बाकी नेक्स्ट लिखो बने अभी क्या करेंगे सी कैसे लगाया वो कंप्लीट हो गया उसके साथ फिर बैटरी एंड की लगा देंगे राइट। अभी वो मूवमेंट कैसे कर रहा है उसका हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पॉइंट करंट इन पॉइंट ए बी सी डी कहां से एंटर होता है एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश फ्लो बैक टू वाई ओके उसके नीचे ही कंटिन्यू है ये उसकी प्रोसेस है कि वो कैसे वर्क कर रहा है वो एक्स वाई के नीचे हाँ देखो लापूराम यहाँ पे देख तो ये कॉइल का हमने जॉइंट किया था राइट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस तक लास्ट टाइम अभी बैटरी का काम बाकी है ना लिखना राइट तो क्या किया हमने कि जो ए बी सी डी कॉइल है उसमें करंट कहाँ से आता है बैटरी से राइट तो करंट इन द कॉइल ए बी सी डी एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू किसके थ्रू तो वो ब्रशेस के थ्रू आता है राइट नोटिस दैट द करंट इन द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लोस फ्रॉम ए एंड बी देखो यहाँ फिर ए बी में कहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ रूट होगा राइट वो आपके वर्ड में लिखना है कि यहाँ आर्म ए बी के ऊपर कहाँ से होगा यहाँ से स्टार्ट होगा राइट तो नोट दैट उसके बाद वाला टॉपिक लिखो आगे मुझे लगता है चलो नेक्स्ट में डिक्टेट कर रही हूँ लिखो नोटिस दैट द करंट इन द आर्म ए बी यस नेक्स्ट पॉइंट द करंट इन द आर्म ए बी आर्म में कहाँ से जाता है ए टू बी एंड सी डी में सी टू डी ओके द करंट पास इन द आर्म ए आर एम आर्म बेटा करंट पास इन द प्लीज करंट पास इन द आर्म ए आर एम लगते को करंट पास इन द आर्म ए बी आर्म में कैसे पास हो रहा है ऑब्वियसली यहाँ से आ रहा है तो ए टू बी जाएगा यस और नो ए टू बी एंड इन द आर्म सी डी एंड इन द आर्म सी डी लाबुराम कहाँ से जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट तो यहाँ से यहाँ तो सी टू डी राइट सी टू डी सी डी सी टू डी
एंड इन द आर्म सी डी करंट विल फ्लो फ्रॉम सी टू डी, ऐसा आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो या शॉर्ट में लिख दो, इन सी डी सी टू डी, थोड़ी स्पेस डाल के सी टू डी, सी टू डी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यस नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, यस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड वी फाइंड दैट द फोर्स, द करंट इन द मैग्नेटिक सॉरी कंडक्ट सॉरी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड we find that the force, we find that magnetic field full stop, we find that timber, yes we find the force, nahi ek hi baar likhna hai beta main sabko bata rahi hu, we find that the force acting on arm, we find that the force acting on arm A R M arm A B pushes it downward, A B pushes it arm downward, बस इधर इधर ऊपर second line देख, pushes it arm downward ऊपर एक line देख बिजनल लगता है, while the force acting on arm, the force acting on arm arm cd yahan pe hai ha, cd pushes it upward, cd pushes it upward right, see isme aapko na likhna ho to ratta marne ki zarurat nahi hai, dekho yahan pe aapko ratta marne ki zarurat nahi hai, yahan pe aisa hai ki suppose aap coil aise rakh rahe ho na coil और यहाँ पे दोनों साइड पोल है राइट, तो करंट यहाँ से जा रहा है, बैटरी आपने यहाँ पे कनेक्ट की है राइट, तो करंट यहाँ से जा रहा है ना, वह फील्ड ऐसी है, ऐसी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फोर फिंगर पे रखो ओके, और करंट ऐसे जा रहा है राइट, करंट जाएगा तो ये वाला ऊपर नहीं जाएगा क्या, ये वाला फिंगर ऊपर नहीं, करंट ऊपर जा रहा है ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप रट्टा मत मारो, जब जिस जगह से आप करंट पास कर रहे हो ना उस जगह को और मैग्नेटिक फील्ड को वैसे रखो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने ऐसा ही रखा है राइट, तो करंट अब अगर आप कॉइल ऐसे रख रहे हो तो करंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये सर तो यहाँ से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो फोर्स उस तरफ लगेगा, समझ में आ रहा है, बट अगर करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, समझ में आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ उन्होंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि उन्होंने ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से वो ए बी अपवर्ड जा रहा है और सी डी डाउनवर्ड जा रहा है राइट, हर एक चीज में ऐसा नहीं होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में कि आप बस ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड रखो, करंट यहाँ से ही पास करो, ऐसा जरूरी नहीं है राइट, करंट मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे भी रख सकते हो, करंट यहाँ से भी पास हो सकती है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल का ही प्रयोग करना है उसको समझने के लिए राइट, फिर ऐसा जरूरी है कि करंट हर बार आप यहीं से पास करो, बैटरी आप यहीं पे लगाओ, यहाँ से लगाओगे बैटरी ठीक है, यहाँ से लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ऐसा है
ठीक है, तो करंट यहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। अभी वो लोग ये सिचुएशन बता रहे, अभी वो लोग ये सिचुएशन बता रहे, क्योंकि N एंड S यहाँ पे है, ठीक है, और करंट यहाँ से पास हो रहा है, राइट, कॉइल यहाँ से नीचे से ही आ रहा है ना करंट, राइट, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड तक, राइट। फिर ऐसे कर दो तो उस तरफ वाला जो सीडी प्लेट है, सीडी प्लेट को फोर्स अपवर्ड तक लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि करंट ऐसे आया, देखो यहाँ से करंट आ रहा है, तो मेरी उंगली है वो करंट पास हुआ सीडी पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही है, एनएस तो ऐसी ही है, तो फोर्स उनको यहाँ तक, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप इस केस में एबी नीचे नहीं जाएगा, एबी नीचे ही जाएगा ना, मैं वही तो बोल रही हूँ, एबी नीचे जाएगा और सीडी है वो ऊपर जाएगा, राइट, सीडी है वो ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो मैं वही तो समझा रही हूँ, करंट ये है, देखो आप लोग ध्यान से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज बाकी सब भूल जाओ, यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं सीडी में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फोर्स कब कहाँ ऊपर लग रहा है कि नहीं, ये फोर्स की डायरेक्शन है कि नहीं, तो हमने अभी क्या लिखा कि सीडी है वो अपवर्ड जा रहा है, अभी समझ में आया मैम, आप पहला ऊंधो था तो तू ना करा बेचारे स्टार्टिंग पहला तो आवाज आवाज ना पहला ए भी करा तेरे ए भी नीचे जब तू ए भी ऊपर जब तू हाँ, बट उस टाइम पे हमने ऐसा बोला कि करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस टाइम हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करंट यहाँ से आ रहा है, तो करंट जहाँ से आएगा वही रहेगा ना, यस, करंट जहाँ से आएगा, करंट जहाँ से आएगा उस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट ही है, ठीक है, करंट आप यहाँ से करोगे तो फोर्स यहाँ आएगी, करंट आप यहाँ से डालोगे तो फोर्स नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सीडी में, मैंने जैसे अभी बताया वो कंक्लूड हुआ कि लास्ट में सीडी ऊपर जा रहा है, राइट, बट अगर नीचे से यहाँ से आप दे रहे हो तो सीडी नीचे जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ऐसा हर एक डिवाइस में, वैसे भी मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा ना, हां पॉजिटिव करंट तो आएगा ही नहीं, करंट आती है ऐसे नहीं, पर आप मोटर एक मिनट, कॉइल ऐसी आड़ी रखी आपने, तो मोटर यहाँ पे है तो करंट इस तरफ से आएगा, राइट, करंट इस तरफ से आता है तो आपके हाथ के हिसाब से वो फोर्स कहाँ पे लगेगा वो सोचो, ऊपर, हाँ, और करंट अगर नीचे से, मोटर आपने ऐसी रखी, कॉइल एंड मोटर, राइट, नीचे की तरफ रखी, तो करंट इस तरफ जा रहा है, कॉइल इस तरफ है, मोटर नीचे है, तो करंट ऊपर ही जाएगा ना, हाँ समझ में आया। फिर आप ऐसे भी रख सकते हो ना कॉइल, कॉइल ऐसे रखा, करंट इधर गया, यस, उन्होंने इसीलिए तो हमें लेफ्ट हैंड रूल दिया, उन्होंने इसीलिए तो हमें लेफ्ट हैंड रूल दिया कि आप कहीं पे भी मोटर रखो आप ढूंढ सकते हो कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, बिना लेफ्ट हैंड रूल आप नहीं ढूंढ सकते, नहीं तो आपको वो एक्सपेरिमेंट हर बार करना पड़ता, राइट, इसीलिए तो उन्होंने हमको लेफ्ट हैंड रूल दिया कि लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ से लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मोटर आपने यहाँ पे रखी, कॉइल ऐसी है तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट, अगर ऐसे है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अगर यहाँ पे है तो फोर्स यहाँ लग रहा है, अगर यहाँ पे तो फोर्स यहाँ लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बट हाँ, बट आप लोग राइट हैंड करना, सो लिखो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड्स, यस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड हुआ सेकेंड लाइन में, हाँ कहाँ तक हुआ, और सीडी अपवर्ड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, दस द कॉइल एंड द एक्सेल ओ, यस, दस द कॉइल एंड द एक्सेल ओ, एक्सेल ओ, एक्सेल मतलब ये जो है ना, ये पूरा एक्सिस
एक्सिस बोलते हैं हम, जहाँ पे सब कुछ लगाया हुआ है। तो ये पूरी कॉइल एंड एक्सेल सब क्या कर रहा है, एक साथ घूम रहा है, ठीक है, फ्रीली घूम रहा है। एक्सेल ओ माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट द एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, ओके, माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट द एक्सिस। एट हाफ रोटेशन एक्सिस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, एट हाफ रोटेशन यस, एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ब्रश एक्स। सी ये एक्स है, वो एक्स एंड वाई है, वो क्या है, वो स्टेडी है ना। यहाँ पे देखो शाश्वत, ये गर्ल्स एक्स एंड वाई है, वो स्टेडी है, घूम क्या रहा है, स्प्लिट्स पी एंड क्यू, राइट। तो कभी पी है वो वाई के कॉन्टेक्ट में भी आएगा, वो घूम रहा है ना, तो वो वाई के कॉन्टेक्ट में भी आ रहा है। तो जब कोई हाफ रोटेशन के टाइम पे पी है वो वाई के कॉन्टेक्ट में आएगा और क्यू एक्स के कॉन्टेक्ट में। फिर अदर हाफ रोटेशन में क्यू है वो वाई के कॉन्टेक्ट में आएगा और पी एक्स के, क्योंकि एक्स एंड वाई फिक्स है। स्मिथ समझ में आ रहा है, एक्स एंड वाई फिक्स है और ये स्प्लिट घूम रहा है, तो क्यू कभी वाई के कॉन्टेक्ट में कभी, क्योंकि स्प्लिट के साथ वो कॉइल घूम रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट। सो एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ब्रश एक्स एंड पी विद द ब्रश वाई, फुल स्टॉप। द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड, यस कम्यूटेटर, राइट।
फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर. ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कम्यूटेटर किसको बोलते हैं जो डिवाइस की मतलब करंट है उसको रिवर्स करता है. राइट, यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ रिवर्स करता है उसको क्या बोलते हैं हम कम्यूटेटर. उसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटर. और यहाँ पे कम्यूटेटर का रोल कौन प्ले कर रहा है स्प्लिट रिंग. राइट, फुल स्टॉप कम्यूटेटर. तो फर्क नहीं इन इलेक्ट्रिक मोटर्स. नेक्स्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक मोटर्स. हेलो, हो गया होगा ना टाइम.